हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को। जल्दी से लाइव आ जाइए। इवन सभी को राम राम, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके हेडलाइन पे तो क्लासिफिकेशन ही दिख रहा होगा, लेकिन आज जो टॉपिक है वो है आपका अल्फाबेट टेस्ट सीरीज। जो भी ऑनलाइन आ चुके हैं, क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, वो सभी के सभी कॉपी पेन अपने पास रखें और सबसे पहले ए से लेके जेड तक लेटर लिख लें और लेटर के नीचे नंबर लिख लें कि ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है और इसी तरह से जेड 26 तक आता है, क्योंकि टॉपिक है अल्फाबेट्स का और अल्फाबेट्स के ए से लेके जेड तक के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। तो ए से लेके जेड तक लेटर लिख लो और लेटर के नीचे नंबर लिख लो। यस, टॉपिक है आज का अल्फाबेट टेस्ट सीरीज। अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को जय जिनेन्द्र। ये काम कर लीजिए फटाफट, उसके बाद एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं सभी के सभी। देखें एक बार बोर्ड स्क्रीन की तरफ, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होता है? माइनस होता है, और वो भी किस साइड से? लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड का ही बोला गया है तो लेफ्ट साइड से ही माइनस होगा। अब कुछ तो सोच रहे होंगे, सर ये होता क्या है लेफ्ट प्लस लेफ्ट माइनस, और मैं एक कंडीशन और लिख देता हूं, क्या कि राइट प्लस राइट, राइट प्लस राइट भी होता है क्या? माइनस, और वो किस साइड से? राइट साइड से। अगर लेफ्ट प्लस राइट दोनों होते हैं, अगर लेफ्ट प्लस राइट दोनों होते हैं तो उस केस में आप प्लस कर लो, और वो किस साइड से करोगे? जिस साइड से स्टार्ट हुआ था, और स्टार्ट किस तरफ से हुआ था? लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लो। यस एंड नॉट। और अगर आपका राइट प्लस लेफ्ट, अगर राइट प्लस लेफ्ट आता है तो उस केस में आप वापस से प्लस कर लेना, लेकिन इस बार स्टार्ट कहां से होगा? राइट से, तो आपका वो राइट होगा, वो प्लस होगा राइट साइड से। तो सभी जो हैं ए से लेके जेड तक लेटर लिखने के बाद इतनी इंफॉर्मेशन जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लें, इतनी इंफॉर्मेशन अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें, क्या है कैसे है, जब हम क्वेश्चन आएंगे तो अपना आप इसको क्लियर कर देंगे। इतनी इंफॉर्मेशन अपनी कॉपी में नोट कर लें, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस राइट क्या है कैसे है, क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के पैटर्न के तौर पे इसको समझा दिया जाएगा। इसलिए कल मैंने कहा था कि स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट बहुत मेन होते हैं, इसलिए जो लेट जुड़ते हैं ना उनको लॉस हो जाता है, और फिर लॉस वैसे तो इस टाइम तो होता ही है, लेकिन आप रिकॉर्डिंग के तौर पर फिर से देख सकते हो, बहुत जरूरी है। अगर इतना आपने नोट कर लिया है तो क्या पहले क्वेश्चन के लिए आप सभी रेडी हैं? यस एंड नॉट। पहले क्वेश्चन के लिए सभी रेडी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी रेडी रहना। और अगर आपने ग्रुप के अंदर मैसेज नहीं किया है ना कि क्लास लाइव आ चुकी है तो कर देना, क्योंकि फिर बच्चे बोलते हैं कि सर कब लाइव आ जाता है पता ही नहीं लगता, उनको जगाना पड़ता है ना। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 9th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट इन एन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवें के अक्षर के दाएं नवा अक्षर क्या होगा? बाएं से दसवें अक्षर मतलब कि लेफ्ट से 10th पोजिशन के राइट के दाएं नवा के राइट नवा नौवे स्थान पे क्या होगा? तो इसमें लेफ्ट और राइट दोनों हैं, अगर लेफ्ट और राइट दोनों होते हैं तो उस केस में आप क्या करते हो? तो उस केस में आप करते हो प्लस, तो आप क्या करोगे? प्लस क्या करोगे? जब लेफ्ट और राइट दोनों आते हैं तो उस केस में आप क्या करते हो? प्लस,
और प्लस करने के बाद टोटल कितनी आई वैल्यू 19, और 19 किस तरफ से होगा तो वो होगा लेफ्ट तरफ से, क्योंकि स्टार्टअप कहां से किया गया है लेफ्ट साइड से, तो अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में 19th पोजीशन पर लेफ्ट से कौन आता है, दैट आंसर इज बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई बात, समझ में आया वो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन क्या था, कि अगर लेफ्ट प्लस लेफ्ट है तो माइनस, राइट प्लस राइट है तो माइनस, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों है ना तो उस केस में प्लस हो जाएगा, और प्लस कहां से होगा, जहां से मैटर स्टार्ट किया गया था। अब समझ में आया वो मैटर, अब समझ में आ गया क्या ये मैटर, कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट, राइट माइनस राइट प्लस राइट क्या चल रहा था। वेरी गुड, बहुत अच्छे, दैट आंसर इज 19th पोजीशन पर लेफ्ट साइड से अल्फाबेटिक ऑर्डर में ऐसा आता है। सेकंड क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही है, बहुत ही बेसिक बहुत इजी। विच लेटर विल बी द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज इन अल्फाबेटिक सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या है, मतलब कि दोनों कंडीशन लेफ्ट और लेफ्ट की है। पहली लेफ्ट कहता है 13 पोजीशन और दूसरा लेफ्ट कहता है 5th पोजीशन, और अगर दोनों एक ही साइड से आता है तो माइनस हो जाता है, और 13 में से 5 माइनस हो जाए तो 8 कौन सा लेफ्ट साइड से, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में 8 लेफ्ट साइड से कौन सा लेटर आता है, तो आता है H, मींस दैट कौन सा ऑप्शन, लेफ्ट साइड से 8वें नंबर पोजीशन पे कौन आता है, एस आता है या एच आता है, तभी मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोली थी लेटर के नंबर लिख लेना बहुत इजी बन जाएगा आप लोगों के लिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ए ऑप्शन एच इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर फिर से वैसा का वैसा पैटर्न है। विच लेटर विल बी द 7th टू द राइट ऑफ सेकंड वॉवल फ्रॉम द लेफ्ट इज एन अल्फाबेटिक सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा स्वर, वॉवल्स होते हैं 5, स्वर जो होते हैं वो 5 होते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ए ई आई ओ यू। इसमें बोला गया है कि लेफ्ट साइड से सेकंड, तो लेफ्ट साइड से सेकंड आता है ई, और ई जो है लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे आता है, 5th पोजीशन पे, हाँ या ना, तो लेफ्ट साइड से सेकंड वॉवल है ई, जो कि 5th के राइट 7th पोजीशन पे, के 7th पोजीशन पे, तो लेफ्ट भी है राइट भी है, तो दोनों का क्या होगा टोटल करने के बाद 7 और 5 12 हो जाते हैं, और 12 किस तरफ से होगा, वो होगा लेफ्ट साइड से। क्यों होगा, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से किया गया है, एल मतलब लेफ्ट साइड से, तो हम लेफ्ट साइड से ही काउंट करेंगे, तो लेफ्ट साइड से 12th पोजीशन पे कौन आता है, दैट आंसर इज ए ऑप्शन, मींस एल इज करेक्ट आंसर। आ गई बात समझ में सभी को, यस ए नॉट। सेकेंड वोवल आता है 5वें नंबर पर ई, और उस 5वें के राइट मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों हैं तो प्लस होगा, प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी किस तरफ से, जहां से स्टार्ट किया गया था वो भी लेफ्ट साइड से, दैट आंसर इज ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आपको एक वर्ड दिया गया है विच लेटर विल बी द 17th, ये 17th नहीं है ये 7 है, ये चीज ध्यान रखना, ये 7 है, ओके। विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ 3rd लेटर फ्रॉम द राइट, तो लेफ्ट भी है राइट भी है, लेफ्ट से वैल्यू कितनी है शब्द के दाएं से तीसरे, आपको स्टार्टिंग कहां से गया दिया गया है राइट साइड से, कि वो राइट साइड से 3rd पोजिशन, राइट साइड से 3rd पोजिशन के लेफ्ट 7वें पोजीशन पर है, तो राइट भी है लेफ्ट भी है, दोनों का अगर टोटल करता हूं तो 10, और 10 किस साइड से होगा, जहां से स्टार्ट किया गया है मतलब कि राइट साइड से, और राइट साइड से अगर मैं 10th पोजीशन पे जाता हूं तो वैल्यू कौन सी नजर आती है, तो वैल्यू आती है U इज करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th पोजीशन पे कौन है, तो राइट साइड से 10th पोजीशन पर है, यू इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई बात, श्वेता लेट हो गए हो मतलब आप शायद,
लेट हो गए हो, तो वापिस समझाने का मैटर जो है आगे हम देखेंगे। बिल्कुल, इसका पैटर्न बताना। यदि इफ द लेटर ऑफ इंट्रोड्यूस आर अरेंज अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच लेटर विल बी द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट वॉवल फ्रॉम द लेफ्ट। यदि इंट्रोड्यूस को शब्दों के अनुसार अंग्रेजी वर्ड के वर्णमाला के अनुसार रखा जाए, मतलब कि अगर मैं शब्दों के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के तौर पर रखूं भी, तो ये लेटर के नंबर लिख लिए, और लेटर के नंबर लिखने के बाद में मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, सबसे पहला काम क्या होगा, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर रखा जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले तो आता है सी, उसके बाद आता है डी। यस, अंग्रेजी वर्णमाला के तो अनुसार रख रहा हूं मैं, डी। डी के बाद आता है सी आ गया, डी आ गया, उसके बाद आएगा ई। यस, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखा जा रहा है सबसे पहले। ई के बाद आएगा आई, आई के बाद आएगा एन, एन के बाद ओ के बाद आर, आर के बाद टी, और टी के बाद एस। इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में रख लिया है, और अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखने के बाद बोला गया है कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट वॉवल, लेफ्ट साइड से फर्स्ट वॉवल कौन है, ई। उसके ठीक इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब उसके ठीक इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, दैट आंसर इज डी ऑप्शन, मींस सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि फर्स्ट वॉवल है ई, उसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो डी इज करेक्ट आंसर। अरे पहले उसको अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में रखना है, इस इंट्रोड्यूस के लेटर को अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में रखने के बाद में आपको देखना है कि लेफ्ट साइड से सबसे पहला जो वॉवल है उसके इमीडिएट लेफ्ट में, तो लेफ्ट साइड से सबसे पहला वॉवल है ई, उसके इमीडिएट लेफ्ट में डी है, तो डी इज करेक्ट आंसर। मतलब कि वो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा प्रिया, ये थोड़ा ध्यान रखना है। मनीषा पूछ रही है एस कहां पे है, तो एस नहीं तो मैंने लास्ट में यू रख लीजिए, यू रख लिया बस, वो गलती से एस लिख दिया होगा जल्दबाजी में। और अब इस क्वेश्चन को देखने और करने से पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं, आंसर कोई मत बोलना और कोई देगा भी नहीं। इस क्वेश्चन का नाम जो है वो टॉपिक है लेटर पेयर, लेटर पेयर को हिंदी में कहा जाता है, पहले समझ ले, आंसर मत देना, पहले समझ लेना लेटर पेयर। और लेटर पेयर को हिंदी में कहा जाता है अक्षर युग्म, क्या कहा जाता है, अक्षर युग्म। एक वर्ड लिया जाता है और उस वर्ड का जो नेम दूंगा मैं, वो दूंगा मैं स्टूडेंट, क्या दूंगा मैं स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट के अंदर हमें निकालना है लेटर पेयर। लेटर पेयर का मींस क्या होता है कि किन्हीं दो लेटर्स, पेयर का मतलब क्या होता है, टू लेटर्स, किन्हीं दो लेटर्स के बीच में उतना ही गैप जितना कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है। यस, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उन लेटर के नंबर लिख लोगे, सबसे पहले आप उन लेटर के नंबर लिख लोगे, लिख लिए। लिखने के बाद आप किन्हीं दो लेटर्स को देखो, किन्हीं दो लेटर्स को जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हो जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में। तो सबसे पहला केस दिखाई देता है एस और टी, एस और टी जो है ना अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में एस और टी के बीच में कोई नहीं आता, और यहां पे भी एस और टी के बीच में कोई नहीं आता, तो सबसे पहला लेटर पेयर बन गया हमारा एस और टी। क्यों, क्योंकि एस और टी के बीच में कोई नहीं, और अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में भी एस और टी के बीच में कोई नहीं, तो वो पहला लेटर पेयर। दूसरा बन रहा है टी और यू, यस, टी और यू के बीच में भी सेम कहानी कि टी और यू के बीच में भी कोई लेटर नहीं आता, यहां पे भी और अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में भी। और अगला जो केस बन रहा है वो बन रहा है एस एंड यू, एस और यू के बीच में अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में एक लेटर आता है, एस और यू में अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में एक लेटर आता है, और यहां पे भी अल्फाबेटिक्स ऑर्डर के तौर पे एस और यू में एक ही लेटर है, मतलब कि दोनों चीजें फॉलो कर रही हैं, हाँ या ना। अब मुझे ये बताओ क्या डी और ई लेटर पेयर बनाएगा, यस या नॉट, डी और ई लेटर पेयर बनाएगा, यस या नॉट, डी और ई के बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने कि अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में, यहां पे भी वही फॉलो कर रहा है और वहां पे भी वही फॉलो कर रहा है, तो बनाएगा या नहीं बनाएगा। आकाश, डी और ई के बीच में एक भी लेटर नहीं आता है अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में, और यहां पे भी एक भी लेटर नहीं है, तो दोनों तरफ फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल बनेगा,
बिल्कुल बनेगा, डी से ई बी बनेगा, यस एंड नॉट, डी से ई बी बनेगा। फिफ्थ कोई मुझे बताएगा क्या, फिफ्थ पांचवा कौन सा बनेगा, कोई बताएगा मुझे कमेंट के थ्रू। अरे ऐसे क्वेश्चन में आगे तीन चार लेके आने वाला हूं, इसलिए इतना इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। ये क्यों आपको बता रहा हूं, वो क्वेश्चन के अंदर पता लग जाएगा आपको। पंकज डी से ई बोलो या ई से डी बोलो, बात एक ही है। आकाश सिंह का आया है एन से एस। अगर मैं अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में देखू ना, तो एन और एस के बीच में कितने लेटर्स आते हैं, तो वो आता है ओ पी क्यू आर, चार लेटर आते हैं। कितने लेटर्स आते हैं, चार लेटर। और यहां पे भी देखो एन और एस के बीच में, वेट, एन और एस के बीच में कितने लेटर्स हैं, तो एन और एस के बीच में कितने लेटर्स हैं, चार लेटर हैं। डजन मैटर कोई से भी हो, लेकिन किन्हीं दो लेटर्स के बीच में उतने ही लेटर्स होने चाहिए जितने कि अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में एन और एस के बीच में चार लेटर्स आते हैं, तो इस स्टूडेंट में एन और एस के बीच में भी चार ही लेटर हैं, भले आप वो लेफ्ट से राइट लो या राइट से लेफ्ट लो, यस एंड नॉट। प्रिया एस और यू, आप एन से एस बता दिया है। प्रिया मुझे बोल रही है एस यू यू, एस यू क्यों बनेंगे क्या सर, एस यू बनेंगे, और बनेंगे तो मैंने लिख भी दिया है, देखो मैंने स्टार कर दिया, एस और यू बना दिया है मैंने पहले ही, समझ में आया। तो इस स्टूडेंट के अंदर कितने लेटर पेयर बन रहे हैं, तो बन रहे हैं पांच। कौन कौन से वो आपके सामने हैं, कौन कौन से वो आपके सामने हैं, तो आपको एक वर्ड दिया गया है, नाम क्या है, एस ई सी टी ओ आर ए आई। इस वर्ड में कितने लेटर पेयर बनेंगे, यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब मुझे आप कमेंट के थ्रू बताओ आंसर क्या होगा। भारती का ए आंसर है, सुनिधि का टू पेयर्स हैं, ओके, ऋषि टू, ओके, फराह टू, बिल्कुल सही है, मंजू सी, ओके। तो अगर मैं लेटर के नंबर लिख भी लेता हूं, चलो वैसे आप लोगों ने नहीं लिखा है, लिखा है मुझे नहीं पता, बट मैं लेटर के नंबर से ही करूंगा, यस। और सबसे पहला जो केस बन रहा है वो बन रहा है हमारा ओ से लेके एस तक, कि ओ पी क्यू आर एस, मतलब कि ओ और एस के बीच में तीन लेटर आते हैं, यस एंड नॉट। तो अगला जो केस बन रहा है वो बन रहा है आर से टी, कि R से T के बीच में एक ही लेटर आता है S, मतलब एक ही लेटर आएगा, तो यहां पे भी R से T के बीच में एक ही लेटर है, तो आपके पास दो कंडीशंस बन रही है। सबसे पहली कंडीशन बन रही है O से S, जो कि आपके सामने है, और दूसरा बन रहा है R से T। इसके अलावा ऋषि राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, अगर आप S से स्टार्ट कर रहे हो तो I पे खत्म हो जाएगा, I से सीधा S तक जाने के लिए आपको वापिस सभी का यूज करना पड़ेगा, शॉर्टकट से नहीं पहुंच जाओगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चीज समझ में आई आप सभी को, पहला बन रहा है ओएस और अगला बन रहा है आरटी। आप अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो यही समझ में आएगा कि लेटर पेयर और इनमें दोनों में बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर सेवन सेम क्वेश्चन है कि आपके सामने एक वर्ड दिया गया है एल ए एन जी यू आई एस H, और इसमें बताना तो लेटर पेयर ही है। ऑप्शन आपके सामने है, कीजिएगा, लेटर के नंबर लिखना है नहीं लिखना है वो आपकी चॉइस है, बट आंसर टाइम से निकालना है वो आपके लिए जरूरत है, जरूरी है। ज्योत्साना कह रही है ए और ई भी बन सकता है। ज्योत्साना एक काम करना, ए और ई के बीच में ना तीन ही लेटर आते हैं बी सी डी, बट अगर मैं यहां पे देखूंगा ना तो ए और ई के बीच में चार लेटर है, पॉसिबल है क्या ज्योत्साना, ज्योति? क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर दिया है सबसे पहले विक्रम कुमार यादव जी ने, ओके विक्रम। मंजू का आंसर है ए, मतलब ए की बनाओगे आप। प्रिया ने तो एक्सप्लेन कर दिया कौन कौन से हैं, ओके प्रिया। ऋषि लवकुश, ओके। तो सबसे पहला जो केस बन रहा होगा वो बन रहा होगा एल और एन।
एल और एन मतलब कि 12 एंड 14 के बीच में एक ही नंबर आता है 13, और एक ही नंबर है यहाँ पे, या तो ऐसे समझ लो, या लेटर लेटर देख रहे हो ना, तो एल और एन के बीच में एक ही लेटर आता है, वो कौन सा आता है, एम, मतलब कि एक ही लेटर है यहाँ पे, तो वो कंडीशन बन जाएगी। यस एंड नॉट। अगला केस बनता होगा जी से लेके आई तक। अगर मैं जी से लेके आई तक की कंडीशन देखता हूं, तो सेम कंडीशन जी और आई के बीच में भी एक ही लेटर आता है, कौन सा आता है वो आपको पता है। और सेम कंडीशन यहाँ पे एफ और यू के बीच में एक ही लेटर आता है, एस और यू के बीच में आता है टी, मतलब एक ही लेटर और एक लेटर कौन सा है वो आपके सामने है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, मींस थ्री बनेंगे इसके अंदर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। इस बार थोड़ा अलग है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, बस चीजों का अगर ध्यान से पढ़ लिया जाता है, ध्यान से रीडिंग कर ली जाती है, तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। इन द वर्ड दिस, द वर्ड द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर इंटरचेंज, सिमिलर सेकंड एंड टेंथ लेटर आर इंटरचेंज, मतलब कि पहले लेटर को लास्ट लेटर से, दूसरे लेटर को सेकंड लास्ट से, तीसरे लेटर को थर्ड लास्ट से चेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद, अदला बदली करने के बाद, देन विच लेटर विल कम आफ्टर टी इन द न्यू वर्ड। तो बताइए उसी प्रकार आगे भी नए शब्द करने के बाद टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा। तो नेहा का तो आंसर आ चुका है बी। ओके नेहा यू। ओके ठीक है ठीक है। रियली सच में आप लोगों का बी आंसर आ रहा है सच में ना, आप कंफर्म हो ना बी आ रहा है सभी का, या कैसे कर रहे हो कि इतने इजी क्वेश्चन में कैसे गलत कर सकते हो आप, इतने इजी क्वेश्चन में गलत हो रहा है आपका आंसर। वेरी गुड। लेटर पेयर समझाया तो समझ में आ गया, इसको तो रीडिंग करके पकड़ना था ना, इसके अंदर कुछ समझाने लायक भी नहीं है कि ये भाई सबसे पहला जो लेटर है डी वो सबसे लास्ट में आएगा, यस, और जो अगला सबसे पीछे वाला लेटर है वो सबसे आगे आ जाएगा, इसी कंडीशन के तौर पे बनता जाएगा केस। यहां सी तो यहां आई, यहां एन तो यहां एस, यहां ए तो यहां टी। और भाई टी के बाद ही पूछा है कि विच लेटर विल कम टी इज न्यू आफ्टर टी इज न्यू वर्ड, तो नए वर्ड बनने के बाद टी के बाद कौन सा लेटर आएगा, टी के बाद कौन सा लेटर आएगा। आप सीधा भी कर सकते थे कि शुरू के चार उठाते और एंडिंग के चार उठाते, और अगर इनको पलट देते तो वैल्यू तो वही बनती ना, अगर मैं इनको पलटूंगा तो वैल्यू तो वही बनेगी टी एस आई डी, पलट दिया और ये आगे जाके पलट जाएंगे ई सी एन ए, आपको चलो एक्सप्लेन करके बता दिया मैंने यहां पे, लेकिन सीधा भी कर सकते थे और टी के इमीडिएट आफ्टर में कौन आएगा, यू कैसे आ रहा है मुझे यही नहीं समझ आ रहा अभी तक, आप उसको पहले चेंज तो करो ना। डी इज करेक्ट आंसर, एस इज करेक्ट आंसर, करेक्ट। कोई डाउट किसी को, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ गया है लेटर पेयर का। लेटर पेयर क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको मैंने बता रखा है, बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, आपको आंसर देना होगा। रीजनिंग, ये ऐसा वर्ड है कि सर तीन से चार की कहानी इसी के बीच में चलती है, और इस रीजनिंग के बीच के पैटर्न के तौर पे कितने लेटर पेयर बनेंगे, इस रीजनिंग के अंदर कितने लेटर पेयर बनेंगे ये आपको बताना है। लेटर के नंबर में लिख लेता हूं, ये लिख लिया मैंने लेटर के नंबर। क्वेश्चन बी ऑप्शन मतलब एक, सी ऑप्शन मतलब कि दो, ए और डी की जगह खाली है, श्वेता का भी सी।
ए से जी बनेगा या नहीं बनेगा, बना के देखो। ए से जी, ए रहा, जी ए रहा, बनेगा या नहीं बनेगा बता दीजिएगा। देखो अब आंसर चेंज होने वाले, सभी के आंसर चेंज होंगे। अब श्वेता का आंसर डी, ओके श्वेता। अब सी आंसर है या डी आंसर है? देखो विद इन सेकेंड्स के अंदर सर ने क्लू दिया, और भाई लेटर के नंबर है पढ़ने तो पढ़ेंगे हमें। तो ए से लेके जी तक की कहानी के बीच में बी सी डी ई एफ बन गया मैटर, या फिर 1 से 7 के बीच में 5 लेटर नंबर आते हैं, वो पहली कंडीशन तो बन रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सर एन और ओ के बीच में कोई नहीं आता, और 14 और 15 के बीच में भी कोई नहीं आता है, यस ए नॉट। और अगला केस कौन सा है? जी से आई, कि जी से आई के बीच में एक ही लेटर आता है एच, और यहां पे भी एक ही लेटर है, या फिर नंबर के तौर पे समझना है तो 7 और 9 के बीच में एक ही लेटर आता है, कौन सा आता है वो आपके सामने है। कितने बनाओगे, 2 या 3? कमेंट करके बताओ। यस इज द करेक्ट आंसर, इज 3 आंसर इज करेक्ट। देख लो एक लेटर पेयर का क्या वेटेज है, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो स्टूडेंट का जो बताया था ना वो आपके लिए कितना बेनिफिट कर रहा है, वो आपके सामने है, आपके नजरों के सामने है। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस पैटर्न को हम कहते हैं डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर को हिंदी में कहा जाता है शब्दकोश क्रम, शब्दकोश क्रम। तो इन चारों को अगर मैं डिक्शनरी में ढूंढूं तो किस सीरीज के आधार पर मिलेंगे, ये आपको बताना है। ओके 3421, 3421, 3421। ऋषि का आंसर अलग आया है सभी की से, सभी के बीच में से। रक्षा का भी ए आंसर, ऋषि का भी ए आंसर। ओके ऋषि का आंसर है 3124। ओके बाकी सभी का सी सी सी। सबसे पहले अगर मैं कंडीशन के तौर पे देखूं तो आर सभी में कॉमन है। डिक्शनरी ऑर्डर में क्या होता है कि लेटर बाय लेटर देखते हैं, जो लेटर छोटा होता है उसे पहले लिया जाता है, उसके बाद यहां पे है यू, यहां पे है ओ, यहां पे है ई और यहां पे है ई। और अगर चारों से कंपेयर किया जाए तो ई और ई पहले आने वाले हैं, तो ई के बाद आएगा जे और यहां पे है बी, मतलब कि सबसे पहले तो आएगा ये और उसके बाद आएगा ये, क्योंकि ई वाली कंडीशन क्लियर हो गई। और अगर मैं यहां थर्ड पोजीशन पे देखूं तो थर्ड पोजीशन पे ये आएगा, क्यों? क्योंकि सर सेकंड लेटर यू है यहां पे और सेकंड लेटर यहां पे ओ है, तो पहले ओ आएगा और फिर यू आएगा, मतलब चौथे पोजीशन पर ये। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो भी आने वाला है उसकी सीरीज क्या है, तो उसका सीरीज है 3। सेकंड पोजीशन पे जो भी आने वाला है उसकी सीरीज क्या है, 4। थर्ड सीरीज पे आने वाला है 2 और फोर्थ सीरीज पे आने वाला है 1। 3421 मीन्स दी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। यस ऋषि, ओके कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सेम क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल अपेयर लास्ट इन द डिक्शनरी, इन चारों में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो लास्ट आएगा? मनीषा एक दो लेटर को नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे। जैसे यहां पे मनीषा इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, सबसे पहला इसके अंदर एच है, इसमें भी एच है, चारों के अंदर कॉमन है एच एच और एच, यस। उसके बाद यहां पे ई है, यहां पे ई है, यहां पे ए है और यहां पे ओ है, तो अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में ए पहले आता है, मतलब पहला डिक्शनरी ऑर्डर ये बनेगा, हाँ है ना। उसके बाद अब हमें ई और ओ में से देखना है, तो ओ बाद में आएगा, पहले ई को क्लियर किया जाएगा। ई के बाद यहां पे है सी और यहां पे है एस, तो यहां पे सी वाला दूसरे पोजीशन पे और थर्ड वाला ये वाला हो जाएगा। ओ सबसे लास्ट में है, क्यों? क्योंकि सबसे अगर मैं सभी के अंदर कंपेयर करूं तो सेकंड लेटर जो है सभी के कंपेयर में, चौथा वाला जो सेकंड लेटर है ओ, वो सभी के कंपेयर में सबसे बड़ा है, इससे सबसे लास्ट में आ गया। तो आपको पूछा गया है सबसे लास्ट पोजीशन पे कौन है, तो सबसे लास्ट पोजीशन पर है 4, मतलब कि बोलो मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ए हुआ ना भाई। अभी तक तो क्वेश्चन आने वाले हैं रक्षा, इस क्वेश्चन को समझाया, समझ में आया यस ए नॉट? क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन में से नहीं है, ऑप्शन कट कर दो और आप मुझे ऑप्शन सही तो है कि सबसे लास्ट में जो आएगा वो होलो होगा और होलो की पोजीशन क्या है? फोर, तो सीरियल नंबर फोर जो है सबसे लास्ट में आएगा, तो ए तो आंसर हुआ। नाजिया बिल्कुल सही ऑप्शन है। यस, इसमें आपको देखना है और इसमें आपको अपना ऑप्शन बनाना है क्योंकि यहां ऑप्शन चारों के चारों गलत दिए गए हैं। राजकुमार, रमेश, राजकिशोर और राजेश, सबसे पहले टेलीफोन डायरेक्टरी में सबसे पहले नाम किसका आएगा, मतलब चारों में से सबसे पहला डिक्शनरी पैटर्न किसका होगा? सुनीति का आंसर राजेश। आपको लिख के बताना है, वर्ड दे के बताना है। राज जो है ना आकाश, वो तीनों के अंदर फॉलो कर रहा है, राजकुमार में भी, राजकिशोर में भी और राजेश में भी। तो पूरा लिखेगा नाम, नाम पूरा चाहिए मुझे, पूरा का पूरा नाम। बहुत सही, बहुत बढ़िया। कि अगर मैं इसके अंदर कंडीशंस देखूं ना, तो आर ए और आर ए सभी के अंदर कॉमन है, लेकिन जब मैं अगला लेटर देखता हूं तो एक में है जे, इसमें भी जे और इसमें भी जे, तो तीन के अंदर जे है और एक के अंदर के है। पहले किसको फॉलो किया जाएगा? जे को, क्योंकि अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में जो पहले लेटर आता है उसको क्लियर किया जाता है। तो यहां पे जे के बाद क्या है? के, यहां पे भी के, बट यहां पे क्या है? ई। तो जे के बाद जो आ रहा है, दो में तो के आ रहा है और एक में ई आ रहा है, तो अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में पहले किसको लिया जाएगा? ई को ना। तो मीन्स ई मीन्स राजेश जो है टेलीफोन डायरेक्टरी में सबसे पहले पोजीशन पे होगा। दैट आंसर इज राजेश इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर फिर से ये रहा। आपको पूरी की पूरी कंडीशंस बतानी है कि पांचों वर्ड जो है डिक्शनरी में किस सीरीज के पैटर्न पे आएंगे। लव कुश केवल राजेश लिखोगे तो भी चलेगा, हमें बाबू ना गुड़िया किसी को बनाना है, ठीक है ना? ध्यान रखो आगे से। नाजिया सब चीजें स्टेप बाय स्टेप हो जाएंगी, डोंट वरी। मतलब कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, हो जाएगा। 13 का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, किसी का बी तो किसी का डी। INT और INT सभी के अंदर कॉमन है। INT के बाद यहां पे है R, यहां पे है E, यहां पे R, यहां पे E और यहां पे R, मतलब R की तीन है और E के दो हैं, तो पहले E का क्लियर किया जाएगा। E के बाद यहां पे है R, यहां पे भी R, यहां पे है V और यहां पे है R, मतलब कि R वाला पैटर्न सबसे पहले हो जाएगा और V वाला पैटर्न उसके बाद हो जाएगा। एक सेकेंड रुकना है ना, कंडीशंस के तौर पे कुछ गलत हो गया है मैटर। ठीक है, सही है बिल्कुल। डन, ये कंडीशंस बन चुकी है, तो मतलब कंडीशंस रहेगी चार। ये नंबर है जो चार का है, ये चीज ध्यान रखना। फोर है ये, फोर टू, और फोर और टू का जो मैटर है वो सी ऑप्शन में दिखाई देता है, केवल सी ही ऑप्शन में दिखाई देता है। ये चार कर लेना सभी के सभी, सभी के सभी चार कर लेना। तीन जो है दो बार टाइप हो चुका है, तीन जो है दो बार टाइप हो चुका है, चार और दो। उसके बाद 3 5 1 वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सर चार और दो केवल एक ही ऑप्शन में है जो कि सी ऑप्शन, मींस क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ द
इफ इन द वर्ड टाइड ऑल द कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट लेटर द वॉवल्स आर रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस लेटर देन विच लेटर अपेयर इन द लेफ्ट ऑफ द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन द न्यू अरेंजमेंट. कि एक टाइड नाम का एक वर्ड है उसमें ना पहले डी, तो फिर बताना है कि लेफ्ट साइड से थर्ड पोजिशन पे, लेफ्ट साइड से थर्ड पोजिशन के इमीजिएट लेफ्ट में कौन होगा. तो इमीजिएट लेफ्ट में कौन होगा, दैट आंसर इज ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. वीडियो कैसे ब्रेक हो गई आपकी, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ. बिल्कुल सही चल रही है. ओके अब तो ठीक है, बिल्कुल डन. वापिस से बता देता हूं इस क्वेश्चन का मैटर, अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा बहुत मैटर जो है बता, हर एक वर्ड दिया गया है टाइड, एक वर्ड दिया गया है टाइड, और उस टाइड में आपको बोला गया है कि हर कॉन्सोनेंट लेटर को रिप्लेस करना है नेक्स्ट लेटर से. तो कॉन्सोनेंट लेटर है टी, नेक्स्ट लेटर हो जाएगा यू, आई और ई वॉवल छोड़ देते हैं, डी कॉन्सोनेंट है उसका नेक्स्ट लेटर हो जाएगा ई, और हर वॉवल को रिप्लेस करना है उसके पहले वाले लेटर से. तो आई वॉवल है उससे पहले वाला लेटर एच आता है, ई वॉवल है उससे पहले वाला लेटर डी आता है. तो फिर बताना है विच लेटर विच विल अपेयर इन द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर. तो लेफ्ट साइड से थर्ड पोजिशन पे जो भी है, बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं, लेफ्ट साइड से थर्ड पोजिशन पे है डी, उसके ठीक बाएं कौन हुआ, उसके ठीक इमीडिएट लेफ्ट में कौन हुआ, तो वो हुआ एच, और एच जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. क्लियर, समझ में आ गया, वापस रिपीट कर दिया है, समझ में आ गया सभी को. क्लियर क्लियर क्लियर. और जो स्टूडेंट चले गए थे, क्लास ब्रेक हो गई है, क्लास रुक गई है, उनको वापस से बुला लीजिए, क्लास रुकेगी नहीं, क्लास चलती रहेगी. आपके सामने एक सीरीज है, आपके सामने एक पूरी की पूरी सीरीज है, और उस सीरीज के अंदर कुछ पांच क्वेश्चन आपके सामने बनाए गए हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड टू द राइट ऑफ टेंथ लेटर फ्रॉम द राइट इन द अबाव अरेंजमेंट. उपरोक्त व्यवस्था में दाएं के दसवें के दाएं तीसरा, राइट से टेंथ के राइट थर्ड पोजिशन पे. तो राइट और राइट दोनों एक ही तरफ से है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, यस एंड नॉट. और माइनस वाला केस अगर लेते हो तो सेवन पोजिशन राइट साइड से कौन होगा, दोनों अगर राइट साइड है तो माइनस हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना. तो राइट साइड से सेवंथ पोजिशन पे कौन होगा ये आपको बताना है. तो राइट साइड हो गया, ये केस से स्टार्ट होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, कौन होगा सेवन पे, तो सेवन पे हो जाएगा N. N is correct answer means A option is correct option. Clear हो गई बात. भाई right side से seventh position पे देखना है, तो B हो गया left side से और K हो गया right side से. तो K से आप right seventh position पे जाओ तो भाई आएगा तो N ही, किसी का B option आ रहा है, B कैसे आ सकता है. आपको राइट से जाना है, लेफ्ट से नहीं बेटा. आप टी अगर लेके आ रहे हो ना कोई बी ऑप्शन, तो वो लेफ्ट से लेके आ रहे हो आप. क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर अबाउ अरेंजमेंट ईच इमीडिएटली प्रिसीड बाय कॉन्सोनेंट. ऐसे कितने वॉवल हैं, ऐसे कितने स्वर हैं जिसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आता है, ऐसे कितने वोवल हैं जिससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट है. जल्दी से सीरीज में देखो, तो पहला तो है बी से ई, यस. दूसरा है ए से आर, यस. तीसरा है यू से एन, यस. और चौथा कोई नहीं, कितने बन रहे हैं. पहला है बीई, वॉवल से जस्ट पहले. अगला है आर ए,
वॉवल से जस्ट पहले, और अगला है एनयू, वॉवल से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट। चार बन रहे हैं या तीन बन रहे हैं मधुलिका? चार हैं या तीन हैं? ऐसे कितने वॉवल्स हैं जिनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट हैं? तो भाई तीन ही तो हुए। थ्री इज द करेक्ट आंसर, मींस द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ द विच इमीडिएटली प्रीसीड बाय लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल? ऐसे कितने नंबर हैं जिनसे ठीक पहले तो लेटर हो और ठीक बाद में सिंबल हो? ठीक बाद में सिंबल हो। सीरीज वापस से खोल देते हैं। ऐसे कितने नंबर हैं जिनसे ठीक पहले तो क्या हो, लेटर, और ठीक बाद में सिंबल? तो पहली कंडीशन तो ये दिख रही है E5%, क्योंकि नंबर से पहले लेटर और नंबर के बाद सिंबल, तो पहला तो ये, दूसरा ये नहीं बन सकता, तीसरा भी नहीं है, ये वाली कंडीशन भी नहीं बन रही है, एक ही बन रहा है, एक ही बन रहा है बेटा, E5% ऐसे कितने नंबर है जिनसे ठीक पहले लेटर और ठीक बाद में सिंबल? एक ही बन रहा है, 1, 1 and 1। ऐसे कितने नंबर हैं जिनसे ठीक पहले तो लेटर और ठीक बाद में सिंबल? दैट आंसर इज 1 इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। छह वाला देखो, छह वाला कौन सा देखा जाए बताओ? ये वाला, नंबर से पहले होना चाहिए लेटर, यहां पे है सिंबल, तो उल्टा हो गया ना बेटा। नंबर से पहले क्या होना चाहिए, लेटर, नहीं होगा पंकज, नहीं होगा, वन ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इफ द ऑल सिंबल इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट? पूरी व्यवस्था में सिंबल को हटा दिया जाए तो लेफ्ट साइड से टेंथ पोजिशन पे कौन होगा? तो लेफ्ट साइड से टेंथ पोजीशन पे कौन होगा अगर सिंबल को हटा दिया जाए? तो 1, 2, 3, सिंबल को हटा देना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। 10 मतलब कौन होगा? दैट आंसर इज एस इज करेक्ट आंसर, मींस ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, मतलब कि एस है और एस आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। सॉरी सर, आई लीव। ओके नाजिया, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि आपको ऑप्शन दिया गया है RT@, लिख देते हैं यहां पे, जिससे क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। RT@H8*6W$6W$ आगे पीछे स्क्रीन करनी पड़ेगी, जब एक ही पैटर्न जो है एक क्वेश्चन पे, एक सीरीज पे, एक पीपीटी पे नहीं आ पाता है। NY4N97*, आपको बताना है ऑड वन आउट, इन चारों पांचों में से अलग कौन सा होगा ये आपको बताना है। इन चारों में से, पांचों में से अलग कौन सा होगा ये आपको बताना है। अलग कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है? देखो, सबसे पहला पैटर्न RT@H8*, दोनों का पैटर्न जो है एक जैसा, ये देख लो ध्यान से, 6W$6W$
W डॉलर। ऑड वन आउट का मतलब है चार, कल ही टॉपिक करवाया था ऑड वन आउट का मतलब कि चार होंगे सिमिलर और एक होगा ऑड अलग। एन वाई फोर, एन वाई फोर, लेकिन सर नाइन का केस कहीं दिखता ही नहीं है, तो नाइन हो गया अलग, मीन्स दैट लास्ट ऑप्शन बिल्कुल ऑड होगा, अलग होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच एलिमेंट्स विल बी द सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11 फ्रॉम द लेफ्ट अबाउ अरेंजमेंट। लेफ्ट साइड से 11 और वापस से लेफ्ट साइड से 6, दोनों लेफ्ट है तो माइनस केस क्या हो जाएगा 5, और 5 कहां से लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से फिफ्थ पोजीशन पे कौन हुआ, तो लेफ्ट साइड से फिफ्थ पोजीशन पे कौन हुआ, दैट आंसर इज आर आर और आर और आर आर। बिल्कुल सही, आर बिल्कुल सही होगा, मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया। तो ये जो इस टॉपिक को हम कहते हैं, ये जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए, इस टॉपिक को हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। वैसे ये टॉपिक आता है अल्फाबेट टेस्ट सीरीज में ही, लेकिन कई कई बुक्स में ये टॉपिक होता है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिक्स नंबर भी होते हैं, सिंबल सिंबल कुछ भी हो सकता है, स्टार डॉलर परसेंटेज, और उसकी एक सीरीज बनाई जाती है। आई बात समझ में? यस या नॉट? अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, लेकिन आप ऊपर वाली इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ लेना कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, जिसके पश्चात चार शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा होगा जो दिए गए शब्दों से बनाया जा सकता है। मतलब इन चारों में से आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो इस वर्ड्स के लेटर से मिलता जुलता होगा, वर्ड बनाया जा सकता है। ए आंसर ज्यादा आ रहे हैं, ए ई मिला हुआ है, एम मिला हुआ है बिल्कुल, आई बी है बिल्कुल, एन बी है, ई बी है, दो ई दो एन बिल्कुल है, और टी बी है। तो कंडीशन पहली बनाई जा रही है तो ये बन सकता है, बाकी तीनों ऑप्शन नहीं बनेंगे, तीनों ऑप्शन नहीं बनेंगे, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सेम क्वेश्चन अगला भी वैसा ही होगा कि एक कैपिटल वर्ड में आपको दिया जाएगा और चार ऑप्शन होंगे, कौन सा ऑप्शन में कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है वो आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बी ऑप्शन देखते हैं। एस बिल्कुल केस दिख रहा है, टी ए बिल्कुल केस आपको टी और ए दिख रहा होगा, टी आई सी तो एक और टी आई सी तीनों दिख रहे हैं, मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सारे लेटर इसके अंदर फॉलो कर रहे हैं। प्लीज चेक फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन भी चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन ए मिल रहा है, डबल आर बिल्कुल मिल रहा है, ई भाई ई नहीं मिल रहा है, लवकुश ई नहीं मिल रहा है, दैट आंसर इज रॉन्ग। और किसी को चेक करवाना है कुछ? दैट आंसर इज बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सेम क्वेश्चन, एनवायरमेंट में कौन सा मैटर मिलेगा? फास्ट थोड़ा तेजी से करते जाओ। ई इज नॉट इन द वर्ड, ओके। फोर्थ में ई जो नहीं होना, 22 का ए ठीक है, 23 का पूछा है इस बार,
ए मिल रहा है। M E I N E N E N T N T, बिल्कुल ए ऑप्शन मिल चुका है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सेम कंडीशंस, कौन सा मिल सकता है कौन सा बन सकता है यही आपको बताना है। इसके अंदर ज्यादा कुछ लॉजिकल नहीं है, इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना, और एक क्वेश्चन ऐसा आता है आपके एग्जाम में, है इजी बट आता है क्योंकि रीजनिंग इजी है, रीजनिंग इजी ही होती है, ये आपको कंफर्म ध्यान रखना है भाई। मेटल, मेटल बन रहा है, MEMETAL means B option is correct option. Clear, 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 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 25, बिल्कुल 25 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कौन सा बन सकता है यही बताना है। कौन सा बन सकता है ये आपको बताना है। आंसर आ चुका होगा सभी का, ए ऑप्शन, ओके, एमई, बिल्कुल एमई। इन क्वेश्चंस के अंदर मेरी ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, जब तक मेरी जरूरत थी मैंने बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट दिखाया वहां पे, जहां मुझे ऐसा लगता है कि इजी क्वेश्चन है बिल्कुल आपके ऊपर ही डिपेंडेड हूं मैं भी। टी और ई सारे के सारे लेटर इसमें मिल रहे हैं। अरे अरे अरे, ए ऑप्शन कैसे हो सकता है, ए तो गलत हो रहा है भाई, ए तो गलत है, 25 का ए तो बन ही नहीं सकता, ए में दो लेटर ई के हैं, दो लेटर ई के हैं, दो लेटर ई, और इस पूरे वर्ड के अंदर एक ही लेटर है ई, तो कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है। ए ऑप्शन सभी के आंसर आ रहे थे, ए ए ए ए ए भाई, ए कैसे बन सकता है, तो डबल ई यहां पे भी है तो ये भी क्रॉस, डबल ई यहां पे भी है बी ऑप्शन में तो ये भी क्रॉस, डबल ई यहां पे भी है तो ये भी क्रॉस, बट यहां पे तो कंडीशंस बन सकती है ना, सी ओ सी ओ, डबल एम यू एन आई, वेट, चारों के चारों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। मतलब कि ये मैटर हमने ढूंढा है कैसे, ये निकली है गलती, टाइपिंग मिस्टेक मींस नन ऑफ दिस, तो सभी अपने कमेंट में ये ऑप्शन डाल दें कि हमें चारों के चारों गलत मिले हैं। कभी कभार टाइपिंग में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बात होती रहती है, मोनिका काफी हंसी आ रही है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके, कोई ना, तो ऐसे गलतियां हो जाती है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, उल्टा बोल दिया, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्या देखें बताओ, क्या देखें, इसमें चारों गलत हैं, बाकी तीन में डबल ई है तो ये तो वैसे ही गलत हो गए, और इसमें आ गया यू, जो कि पूरे पैटर्न में यू मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा, पूरे पैटर्न में यू कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्रॉस, तो नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। 26 भाई, सेट दूसरा नहीं हो सकता मेरे भाई, लव कुश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, डबल ई नहीं आता है, समझो मेरी बात को, डबल ही नहीं है। ओ, 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 वेट वेट वेट, कुछ गलती कर दी है यहां पे कंडीशंस, दो लेटर हैं और हम इसी के ऊपर चक्कर में रह गए थे कि एम
ई डी आई ए, तो आप पहले नहीं बता सकते थे मुझे कि सेकंड लेटर ई का है, ई का है। बड़े गंदे हो गए हो आप लोग। टी और ई, तो ए ऑप्शन मिल रहा है। दूसरा लेटर भी देख लेता हूं, एम है, डी है, ई है, आई डबल आई नहीं है, तो ये क्रॉस, ये भी क्रॉस, यू नहीं है, आर ई एम आई एन डी ई। आई एन डी ई आर, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देख लो एक बार अब। कोई नहीं, इसमें भी सेम कंडीशंस हैं कि आपको कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है ये बताना है। इस बार मैं भी ध्यान से देखूंगा भाई। क्वेश्चन नंबर 26, डी डी आ रहा है सभी का। एन ई जी एल ई सी टी, ई सी और टी, सारी कंडीशंस मिल रही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं नहीं बनाया जा सकता। पहले बोला गया था बनाने वाला, और अब बोला गया है नहीं बनाने वाला, तो कौन सा नहीं बन सकता है ये आपको बताना है। कौन सा नहीं बन सकता है ये आपको बताना है। बी ऑप्शन टी ई एन, टी ई एन एस आई ओ एन, और पूरे वर्ड में एस कहीं नहीं है। द आंसर इज ये नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, सेम क्वेश्चन। सी पी आर ओ, पी है लेकिन पूरे वर्ड्स में आर कहीं नहीं, तो ये नहीं बनाया जा सकता। रिश्मिनी डी ऑप्शन बोल रहे हो क्या आप, बाकी सभी का। 29 ऑटोग्राफ, कौन सा नहीं बनाया जा सकता ये पूछा गया है। बी बनाया जा सकता है ओजस्विनी, देखना एक बार वापस, है ना। ऑटोग्राफ्स, कौन सा नहीं बनाया जा सकता ये पूछा गया है। ग्रेट नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, पूरे ग्रेट के अंदर जो ई है ना, ये पूरे ओरिजिनल वर्ड में ई कहीं नहीं दिखाई देता, ई कहीं नहीं दिखाई देता, तो ये नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने जो नहीं बनाया जा सकता वही आपको पूछा गया है। और अगला वर्ड जो है वो ये है आपके स्क्रीन के ऊपर, किसी का डी, किसी का ए, किसी का बी। अरे सारे के सारे आंसर आ गए क्या। एल आई बी, मैं भी देख लेता हूं सारे के सारे। ई आर, ई कहीं नहीं है तो ए तो नहीं बन सकता, ए नहीं बन सकता। ई यहां पे भी नहीं है तो ये भी नहीं बन सकता। अरे तेरी, तो ये भी नहीं बन सकता और ये भी नहीं बन सकता। सारे के सारे गलत, सारे के सारे गलत। मीन्स ऑप्शन कौन सा होगा, ई ऑप्शन, नन ऑफ दिस। कहीं जाना मत, क्योंकि क्लास का मैटर तो खत्म हो गया है, लेकिन कल जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिसिंग नंबर का। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसे, 10, 5, 6, 42, 17, 3, 14, 68, 8, 15? और 92? तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा ये आपको बताना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा ये आपको बताना है। यह है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, यह है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। तो अब बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन सभी के सभी। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया एक मैंने स्क्रीन के ऊपर देखो, 28 प्रीति का आंसर। ओके प्रीति, और कल जो क्वेश्चंस आएंगे मिसिंग नंबर के वो लेवल अप पर आएंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के आएंगे। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और उसके बाद बाय बोल के ऑफलाइन हो जाना। कैसे होगा अगर इस पैटर्न को ध्यान से देखा जाए, 10, 5, 6 उसके बाद इतना बड़ा नंबर, 17, 3, 14 फिर इतना बड़ा नंबर, तो यहां पे कुछ तीनों नंबर से मिलके ये बनेगा, हाँ या ना। तो 10, 5, 6 को अगर मैं जोड़ता हूं, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो नंबर आता है 21, यस एंड नॉट। 17, 3, 14 को जोड़ता हूं तो वैल्यू जो आती है वो आती है हमारे पास 34, और 21 का डबल करता हूं तो 42, 34 का डबल करता हूं तो 68। तो श्योर है यहां पे तीनों नंबर को जोड़ के जो भी वैल्यू आएगी और उसका डबल करोगे तभी तो 92 आएगा। दैट आंसर क्या होगा? मैंने बता दिया, अब आंसर बता दो आप लोग सभी कि शुरू के तीन नंबर को जोड़कर जो टोटल बनता है उसका डबल, उसका डबल। तो 8, 15 एंड क्वेश्चन मार्क एंड टोटल बन रहा है कितना, 92। यहां क्या रखूं कि जो भी टोटल आए उसका डबल करके 92 बना सकूं, तो डबल जो होगा ना वो होगा 46 का डबल। तो 46 करने के लिए 15 और 8 को जोड़ूंगा, अगर मैं 15 और 8 को जोड़ता हूं तो वैल्यू आती 23। 46 और 23 का गैप हो गया 23, तो 23 यहां जोड़ूंगा, तो 8, 15 और 23 को जोड़ूंगा तो टोटल वैल्यू हो गया 96, और 96 का डबल हो गया 46 का डबल हो गया 92। तो आंसर क्या हुआ इसका? तभी तो यहां पे मैं 23 रखूंगा तभी तो आंसर आएगा, यस ए नॉट, कि अगर मैं 8, 15 एंड 26 को जोड़ूंगा तो वैल्यू आएगी 46, और 46 का डबल कितना होता है, दैट आंसर इज 92। क्लियर? तो कल इन्हीं मैटर के ऊपर हम बात करेंगे, तो कल की क्लास सेम 3 से 4 टॉपिक होगा मिसिंग नंबर, एक एग्जांपल मैंने दिया है मिसिंग नंबर का, यस। तो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट को डाउट आता है, और आपकी रोज क्विज चल रही है, क्विज ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, आप लोगों ने तो बिल्कुल कर लिया होगा, लेकिन आपके फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करवाइए, कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद, और इसी तरह से रेगुलर क्लास आते रहो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, श्योर है, और कल 3 बजे पहुंच जाना सभी के सभी। ये जो अच्छा पीडीएफ जो है ग्रुप में मिल जाएगी आपको। ओके, बाय।